क्या मैनेजर रहेगा? देखो कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है और जो भी बातें हुई है हमने को डेडलाइन दी है और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। दबाव की राजनीति की बात कही जा रही थी, दबाव की राजनीति में विकास कार्य नहीं हो पाए शहर, ये खुद ही कह रहे हैं जी दबाव है, अपने नाम भी लिया एक अधिकारी ने, कई अधिकारियों को आपने साफ तौर पर चेतावनी दी है, इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, क्या था वो मामला और क्या मैसेज अधिकारियों को? देखो कई जो हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की रोड है उनमें देरी हुई है, तो देरी हुई है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उनको जो भी कसूरवार है चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है तो उसकी सफाई मतलब उसकी आनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्यों क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई। एनक्रोचमेंट देखो ये सड़कें हैं, ये हमारे लोगों के चलने के लिए बनाई गई है, अगर हम उसमें कोई एनक्रोचमेंट करते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं सड़क पर, तो सामान लेने जाते हैं तो जाम लग जाता है, तो जाम नहीं लगना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है सड़कों पे तो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए, और जैसे इंदौर हमारा एक सिटी है, सुंदर साफ सिटी है, उस तरह के हमारा उस तरह से ही हमारा फरीदाबाद भी एक जैसे इंडिया में पहला नंबर, भारत में पहला नंबर आता है इंदौर का, हमारा भी कोई रैंकिंग आनी चाहिए फरीदाबाद की, कि भाई हम भी दूसरे तीसरे या चौथे, या हम तो चाहते हैं कि पहले नंबर पर ही हम आए। पोजीशन में नंबर वन पे लेट हो रहे थे, उनको लेकर आपने अधिकारियों को बताया है और एक चेतावनी आपने साफ तौर पर दी है, जैसे काम करना है वही हमें क्या? देखो आपको शायद याद होगा 2023-22 में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे तिगांव में, एक बड़ी जनसभा रैली थी, उस समय भी मैंने स्टेज से कहा था कि भी जो अधिकारी ठीक है वो तो सही है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या भ्रष्ट है या लोगों को हमारे जनता को बोली वाली जनता को चक्कर कटवाते हैं, तो ऐसे अधिकारी मुझे नहीं चाहिए, और मैंने काम भी दिए थे और अधिकारी वो बदले भी गए थे, तो मैं अब ऐसी तरह से अब चाहता हूँ कि भाई कोई भी अधिकारी या वो ही रहे जो काम कर सकता है, और जो काम नहीं कर सकता वो पहले ही अपना ट्रांसफर करा के कहीं और चला जाए। विशेष तौर पर तिगांव विधानसभा में बिल्डर्स के द्वारा समस्याएं देखने को मिलती रही लगातार, आपने कई मुद्दे उठाए, उनका समाधान किस तरीके से कब तक कर पाएंगे? देखो पहले हमने कई कैंप लगाए, हमारे डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग टीएल सर प्रकाश जी भी आए, अजीत बाला जोशी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हरियाणा भी आए, हमारे एमडी डीबीएचएन अमित खत्री भी आए, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हुई है, वो जो रह गई है हम एक जॉइंट मीटिंग अलग से करके आज उसका मुद्दा हमने उठाया नहीं, अलग से अधिकारी चंडीगढ़ से बुला के जो भी बिल्डर उसमें इन्वॉल्व है या कोई बिल्डर गलत कर रहा है हमारे सोसाइटीज वालों के साथ, प्लॉट होल्डर्स के साथ या फ्लोर्स के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई। मजावली पुल की बात करें तो कब तक पूरा जाएगा? दूसरा सवाल ये है कि कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। मैंने कहा है भी जो भी कसूरवार है जो भी कॉन्ट्रैक्टर, मैंने कहा ना कॉन्ट्रैक्टरों की मीटिंग एक हमारी चल रही है अभी, इसके बाद ही मीटिंग चल रही है, उनसे मीटिंग लेने के बाद एग्जैक्ट आपको मैं बता पाऊंगा कि भाई उसमें क्या कमी रही, क्यों नहीं हो बना, और जो भी अगर उसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में आदेश दिए विकास कार्य मुक्तताई बरतने पर, नहीं मैंने कहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो डेडलाइन थी उनकी कॉन्ट्रैक्ट की टेंडर की, उसमें जिन्होंने काम पूरा नहीं किया समय में उस समय में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और विजिलेंस कार्रवाई भी होनी चाहिए, अगर वो कसूरवार पाते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट भी करो। अमृत योजना की सीवेज लाइन को लेकर बहुत बड़ा इशू है, लेकर बात करेंगे? देखो अधिकारियों से बात करी है मैंने सीवेज की, उसमें ठेकेदार की कुछ कमी पाई लग रही है, तो अगर कोई वो कसूरवार पाया जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्टर बुलाए हमने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।